बीजेपी के पूर्व मंत्री एवं संसदीय क्षेत्र प्रभारी बिक्रम ठाकुर ने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। बिक्रम सिंह ने कहा है कि प्रदेश की सरकार आपसी मतभेदों में उलझी हुई है, जिसका सीधा प्रभाव सीधा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर पड़ रहा है। राहत और बचाव कार्य पर देखा जा रहा है। सरकार का एक मंत्री लगातार बयान दे रहा है ये नुकसान खनन की वजह से हुआ है, और सरकार का दूसरा मंत्री कुछ और कह रहा है। कुछ विधायक इस बात को डिफेंड भी कर रखे हैं कि खनन के कारण नुकसान नहीं हुआ है। में कांग्रेस सरकार ने ये फैसला लिया है कि क्रशर जो है, माइनिंग जो है, उसको बंद किया जाए, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो निर्णय लिया गया है, इस निर्णय के अंदर भी ये निर्णय पूर्ण रूप से पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू ना करते हुए केवल कुछ ही जगह के ऊपर इसको लागू किया गया है। ये न्याय संगत नहीं है। और आज मैं अखबारों में देख रहा था, समाचार पत्रों में देख रहा था, उन सुर्खियों में ये बोला गया है कि कुछ विधायक जो हैं उनके भी क्रशर बंद हुए हैं, लेकिन मैं इस चैनलों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनके क्रशर चल रहे हैं। आज भी बहुत से ऐसे जिले हैं जिन जिलों के अंदर माइनिंग जो है वो पूर्ण रूप से बंद नहीं की गई है। क्या कारण है कि सोलन के अंदर माइनिंग बंद नहीं हुई? क्या कारण है कि ऊना के अंदर माइनिंग बंद नहीं हुई? ये केवल जिस समय माइनिंग के विषय पर बात आती है, आज सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये जो निर्णय लिया है, इसे सिद्ध कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा नुकसान माइनिंग के कारण हुआ है। जबकि आज से कुछ ही दिन पहले इनके मंत्री बोल रहे थे माइनिंग के कारण नुकसान हुआ है, और एक मंत्री इनके जो बोल रहे थे माइनिंग के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ।